हेलो नमस्कार। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे। तो ये देखिए, मेरे वीडियो में मैंने न्यू वीडियो बनाया है जो कि इसकी कंटेंट तो अच्छा ही है, बट आप लोगों को पसंद आए ना पसंद आए ये तो बात की बात है। लेकिन मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, देखिए गाँव का ये व्यू है। और हम कहीं गए थे, चुनावी दौरे पर गए थे, तो महिलाएँ क्या क्या नहीं कर सकती हैं। महिलाएँ घर में खाना भी बना सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकती हैं और ज़रूरत पड़े तो जंग के मैदान में भी कूद सकती हैं और कूदती आई हैं, क्योंकि पहले का इतिहास गवाह है कि हमारी महिलाएं हर जगह आगे हैं। तो यहाँ देखिए चुनावी दौरा चल रहा है, तो महिलाएं आगे बढ़ के, और देखिए कितनी जागरूक हैं महिलाएं और गांव-गांव जाके वोट की गुजारिश कर रही हैं, मांग कर रही हैं। और देखिए सभी लोग एकजुट होके और चल रही हैं, एकता बनाए हुए, और कोई भी ऐसा वो नहीं है जहाँ महिलाएं क्षेत्र नहीं है, जहाँ महिलाएं आगे नहीं हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और चुनावी दौरे पे निकल चुकी हैं। तो हमारे गांव की महिलाएं भी किसी हाल में कहीं भी पीछे नहीं हैं। तो देखिए हमारी ये गांव की महिलाएं हैं जो कि बहुत ही जागरूक है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भगवान करें कि वो आगे बढ़े, उनकी जीत हो, और हमारी तो यही कामना है। क्योंकि अपने गांव का सभी लोग विकास चाहते हैं, अपने देश का सभी लोग विकास चाहते हैं, तो विकास किसको अच्छा नहीं लगता है। हमारी सड़कें, हमारी नहर, हमारी नालियां जो हैं, घर के आसपास की नालियां, गड्ढे, कीचड़ जो हमारे बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए हमको चाहिए कि अच्छा एक नेता होना चाहिए, एक अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारे गांव का विकास कर सके, हमारे शहर का, हमारे नगर का विकास कर सके। तो ऐसे लोगों को आप अपने, देखिए अधिकार है वोट का हम सबके लिए, क्योंकि ये ऐसा अधिकार है कि हम खुद भी इसका निर्णय कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना निर्णय खुद लें आप लोग, जितना अच्छा आपका प्रत्याशी हो, आपके विकास की सोच रहा है, आपके लिए सोच रहा है, वो पर्सनली किसी का भला ना करके गांव का, शहर का, नगर का, जो भी है, विकास करने से पहले प्रचार में थक गई, देख रही है, देखिए नेता लोगों से उम्मीद रहती है, जनता को, इन्हीं को अगले साल चुनाव में खड़ा करेंगे, रहती है जो प्रत्याशी होते हैं उनके, नेता होते हैं उनके। तो मैं चाहूंगी कि उन्हें भी ध्यान देना चाहिए और जनता को भी हर हाल में अपने प्रत्याशी के लिए एकजुट होकर मतदान तो सबको देना चाहिए और किसी को भी अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए। अच्छी लग रही है तो जरूर वोट दीजिए। और मैंने घर पे आके देखिए, बेटे के कहने पे मैंने फुल्की बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी भी फरमाइश थी। तो देखिए वहाँ से आके और यहाँ हम लोगों ने खाना भी बनाया और ये सब किया। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।